بالحق كنا نستنسخ ما كنتم تعملون यह हमारा दफ्तर तुम पर सच सच बोल रहा है कि जो कुछ कि तुम किया करते थे उसे हम लिख कर लिया करते थे सदा केमीन अजीजम सूरज जासिया और मक्की सूर्य है और पैतालीसवां नंबर है इसका आयत नंबर है उनतीस लेकिन इसके अगर स्याक व सबाक में देखेंगे तो आयत पच्चीस तैंतीस है कुछ यू है कि और जब उन्हें हमारी वाज आयात पढ़कर सुनाई जाती है तो सवाए इसके उनकी और कोई दलील नहीं होती कहते हैं हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदा करता है फिर तुम्हें मारता है फिर वही तुमको सबको क़यामत में जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते और आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन झुकलाने वाले नुकसान उठाएंगे और आप पर हर एक जमात को घुटने टेके हुए देखेंगे हर एक जमात अपने नाम अमाल की तरफ़ बुलाई जाएगी आज तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा ये हमारे दफ्तर तुम पर सच सच बोल रहा है क्योंकि जो कुछ तुम किया करते थे उसे हम लिख लिया करते थे बस जो ईमान लाए और उन्हें उन्होंने नेक काम किए और उनका परवरदिगार अपनी रहमत दाखिल करेगा यह सारी कामयाबी है और जिन्होंने कुफ़्र किया उन्हें कहा जाएगा क्या तुम्हारी हमारी आयतें क्या तुम्हें हमारी आयतें नहीं सुनाई जाती थीं फिर तुमने गुरूर किया और नाफ़रमान लोग थे अजीजन ये कयामत की बातें हो रही हैं और हर एक के अमान नाम अमाल लिखे जा रहे हैं वो नाम अमल क्या है वो किताब है जिसमें सब चीज़ दर्ज की जाएगी जो भी खुदा के कलाम में अजाफा करेगा उसके लिए भी है और जो घटाएगा उसके लिए भी है जो निक करेगा उसके लिए भी है और जो बद करेगा उसके लिए भी तो हर एक घुटना टिकेगा किसके सामने सवाल ये पैदा होता है कौन ऐसी हस्ती है जिसके सामने हर एक ज़मीन वालों या आसमान वालों का हर एक का घुटना टिकेगा क्यों टिकेगा ताकि उसकी तजीम की जाए तकरीम की जाए उसके एहसान का बदला यही है कि उसके साथ वो इज़्ज़त की जाए जो जिसके वो लायक है जो ज़मीन वालों ने नहीं किया और एक ही हस्ती है जब दोबारा आएंगे वो ज़मीन पर अजीज हम, यहाँ हम देखते हैं कि एक लफ्ज़ है यन तफु यन, नुत, नुत, कु, नुत कु से निकला है और नुत कहते हैं बोलने को कोई भी शख्स बोल रहा हो उसके माने नुत कहते हैं सवाल पहला यही है लेकिन आज हम अपने तमाम साम्य नाजन खदमत में जो जोकिलसान फिर तौरा कुरान में हाजिर हैं तमाम सामिन नाजुन खदम सलाम और खुश आमदी कहते हुए हम पहले सवाल की जानब जाएँगे आज का पहले सवाल है कि नुक़ क्या है नफ्स नातिका और इंसानी नफ्स किसे कहते हैं खालिश ये तस्फ़ भी बातें गौर हो रही हैं लेकिन तसवु नहीं है तसव्फ़ काल्लुक़ का नामी मुकदस से ज़रूर है जिन लोगों ने तसवुफ़ को अपनाया उसका मतलब है कि उन्होंने किताब मुक़दस का जुल्ल मतलब किया होगा यह और बातें वो इजहार न कर सके और इसका जवाब यह है कि जो कुछ अहल ख्याल यानी अहल इल्म ख़ ख्याल हैं बोलते हैं वो उनकी इम्कानी तजवीज़ है यानी उनके ख्याल से है बस चाहिए कि हम उस ख्याली गार से निकलें और अपनी माहियत के मफह में ऊपर की तरफ़ चढ़ें आपको याद एक प्रोग्राम हमने कहा था कि हम तनजरी की जानब हैं या तरक्की की जानब अगर हम पस्ती की जानब हैं तो हम उधर नहीं पस्ती है तो इंसान फिर ऐवान उसके बाद नबतात फिर जमादात की जानेब ये हम गुफ्तु थोड़ी सी कर चुके थे आज जब रब के लिए हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर चढ़ते चढ़ चर सकते हैं और खूब टटोले के हमारे वजूद में क्या कुछ है और कहाँ तक है यानी हम पसंद मालूम हो जाए कि हम जिस जिसम के मतलब हैं यानी जिसम के है या उससे मतलब हैं उसमें शामिल होकर हम ठोस अंदाज में हैं उम्मीद के साथ क्या मतलब कि हर हर चीज़ वापस रोजी अपनी असल की तरफ जान जाती यानी बेजान पत्थरों ईंटों और खाक के हम जिन्स या हम मरतबा या रिश्तेदार हैं हम आगे चलकर कहेंगे आप ताज्जुब हो रहे होंगे ये कैसी बातें होंगी आज आज बहुत सी बातें हम दोनों किताब से पेश कर रहे हैं करते तो रोजी हैं लेकिन आप इब्ता से चलेंगे वो कैसे इब्तदा जब आप देखेंगे तकमीन पहले किताबें सूर्य किताब मुकदस तौर तुमदस का पहला सूरत तकवीन यानी पैदाइश जनजर उसके पहले बाप की दूसरी आयत में है ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराई के ऊपर अंधेरा था और खुदा तला की रूह आज़म यानी उससे बड़, बड़ी किसी की रूह नहीं थी वो रूह आज़म है सतह आप पर जुम्बिश करती थी खुदा क़र मतलब का शुक्रगुजार हूँ कि हमें उस खास शक्ल में लाया और उसने कुदरती तसरब यानी अपने कुदरत का इस्तेमाल किया से हमको क़त नामिया जिसमें बढ़ते और नशो नुमा की शादाबी हासिल करती हैं पैदा की उसने पैदाइश दूसरे बाप की पाँचवीं आयत और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था न मैदान की सब्जी तक उगी थी क्यों क्योंकि खुदावन खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और न ज़मीन जोतने के लिए कोई इंसान था इसी बात को हम और तबील थोड़ा सा आगे चलते हैं पैदाइश पहले बाप की ग्यारह बारह आयत में देखते हैं कि वो इंसान क्या था फिर खुदा तला ने फरमाया ज़मीन घास और बीज दार पौधों बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपने जिन्स के मुआ पहले और जो ज़मीन पर है अपने ही आप बीज रखें और ऐसा ही हुआ और बारहवीं में तब ज़मीन ने घास और बूटियों को अपने अपने जिन्स के मुआफ बीज रखी और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनके जन्स के, के मुफ़िर उन है उगाया और खुदा ने देखा कहा अच्छा है अजीज़म तब हम जमादात से निकल कर उसके दरमियान से मुमताज़ हुए और दरख्त में शामिल हो गए बहुत तवज्जो। चूँकि इंसान को ख़ाक से मनाया था और ख़ाक है क्या मा ये जमादात है जमी हुई चीज़ है और जिसमें नामिया ठहरा जिसमें नामिया के माने वो जिसम जिसमें, जिसमें नमों की क़वत हो फिर भी हरकत, सिर्फ नमों की शान आ गई थी अजान मोहतरम पैदाइश पहले बाप के हम बीस और बाईस आयद में देखते हैं और खुदा तला ने पानी को जानदार की कसरत पैदा करने की कहा यानी खुदा तौर ने फरमाया कि पानी जानदारों को पैदा करे और परिंदे ज़मीन के फजा पर प्रवास करें फिर खुदा यादूजल ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को हर कस्म के जानदारों को पानी के बसरत पैदा हुए थे जिनके उनके जन्स के मुआफिक हर कस्म के परिंदों को उनके जिस के मुआफ़ पैदा किया और खुदा ने देखा कहा अच्छा है परवरदिगार आलम ने इन सब को ये कहकर बरकत दी के फलो और बढ़ो और समंदर के पानी को भर दो और ज़मीन पर यानी परिंदे जो है वो भी बढ़ जाए इन सबको बरकत दी हम देखते हैं यहाँ पर चौबीस मैद में फिर बहरबर के खालिक खल्ला के आलम कायनात के हकीकी के खालिक और मालिक ने फरमाया कि ज़मीन जानदारों को उनके जिस्स के मुफ़िक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनके जिसम के मावाफ पैदा करें यानी हम नबात से निकल कर के जमादात से निकल कर नबातात में दाखिल हुए अब जमात से निकल कर हम है, ऐवानात में आए ये एक तरक्की हो रही है और ऐसा ही हुआ फिर खुदा कादिर मुतलक ने जंगली जानवरों और चापाओं को उनके जिन्स के मुफिक और ज़मीन पर रेंगे वाले जानवरों को उनके जिन्स के माफिक बनाया और खुदा ने देखा कहा अच्छा है ऐसा मतलब इनके ऊपर एक और चीज़ है जिसको हयात कहते हैं हयात फ़ारसी ज़बान में उस लफ्ज़ का नाम है जिस कहते जान जो हम में आ गई जिसके सबब से हम हसास और मतहरक और बिलआरादा मुतहरिक के बिल इरादा हो गए क्या मतलब मेरी नबातात की बरदरी से निकल कर हवानात में शामिल हुए बड़ी तोज्जो यानी कि जमादात से निकल कर क्या नबात में आए नबात में बढ़ने फूलने फलने का है सिलसिला लेकिन वह हिस्स नहीं है वो हरकत नहीं जो अपनी मर्ज़ी से हरकत कर सके ना हिस्स महसूस कर सके तो हयात के माने ज़िंदगी तो हैवान में हैवान वो है जिसमें हयात है एहसास के मानी है कि हिस्सों वाला यानी अपने अंदर एहसास पैदा करने वाला एहसास हो उसके अंदर खुद से और इरादा ये तमाम बातें हम शुरू में दूसरे अपनी नशे पेश कर चुके तो बहुत सारे वो मुश्किल अल्फाज जिसको मैंने कहा था हम गा गाँग इस्तेमाल करेंगे तो जो अपने इरादा से हरकत करता है यह दोनों बातें यानी हिस्सों वाला और हरकत को निंदा होना हयात के लिए लाजमी है और जब मैं हयात नहीं वो हरकत नहीं तो हिस करता हिस्सा नहीं करता यह हयात या जान हैवानों में कहाँ से और क्यों कर आ गई नबात में तो नहीं थी जमादात में नहीं लेकिन हैवानों में आई है जाहिर तहत ये अंसरों के ख़ास तरतीब से निकली है उसने कहा कन और कौन कहाँ हो जा हर चीज़ होनी शुरू की जिसको हुक्म दिया उसने वो काम अंजाम दिया तो भी उसत खारिजी को जो जहाँ और कहीं भी मौसर नज़र आती है इस खयात की ईजाद का साफ साफ दखल मालूम होता है जिसने ईजाद किया और वह परवलिखा क्यों कह क्योंकि हवान की जान उसके जिसम पर गौर करने से और उसके खसाइश के देखने से मौजूद आशार का इरादा उसमें नज़र आता है हर जानवा जानदार की अपनी अपनी चीज़ें अपने इरादे हैं अपनी खसलत हैं अपनी चीज़ें और वो इरादा हर जानवर की ज़िंदगी में पूरे होते हैं अलबत् एक भी काबिल गौर है यानी एक बात काबिल गौर है कि हैवानात की जानों में इज़राक और ताक़ुल और तफ़क् तदब्बर नहीं है यानी वो अपनी अकल से काम नहीं लेते फिक्र नहीं करते तदब्बर नहीं करते आगे तरक्की का कोई मिजाज नहीं है अगर आप गौर करें तो जानवर को जो उसके जबिलत में डाल दिया गया शेर की शरीय में घास आराम है और घोड़े की शरीत में गोश्त लेकिन इंसान सब्ज़ी भी, भी खाता है गोश्त भी खाता है आइए सिर्फ वहाँ क्या है हवानात में कि सिर्फ़ जीस के, सिर्फ के बहाल रखने के लिए और तलाश मीशत का थोड़ा सा शौर फित्री है भूख लगती है उठते हैं जाकर खा खा चारा चरते हैं या जो जानवर होता है एक दूसरे को खाते हैं जानवर प्यास लगती है पानी पीते हैं यानी जिसको अक्ल हैवानी कहना चाहिए और वहाँ तक इंसान भी हैवान में अक्ल हैवान में बराबर है बिल्कुल दोनों इंसान भी हैवान भी और पैदाइश अब जब दूसरे बाप की सातवीं आयत में चलते हैं यानी हजरत मूसा कलीम ख़ुदा सलाम को जो किताब अता की थी पहली शरीर की किताब तौरतमक़दस का यह पहला शुर है पैदाश उसके दूसरे रुकों की सातवीं आयत में और ख़ुदा ख़ुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका ताकि तो इंसान जीती जान हुआ अज़ान मन इस आयत में को हम दोबारा आगे चलकर एक खास मकसद के लिए पेश करेंगे जो अभी हम भी रोक रहे हैं यहाँ पर जैसा कि ए, जो हैं उनकी नज़र में हैवान में एक ख़ास किस्म का हवान यानी हैवान, हैवान इंसान भी है तो फ़र्क क्या है? हैवान में और इंसान में फ़र्क क्या है फ़र्क़ यह है कि इसमें खास चीज़ ऐसी दिखाई देती है जो और हैवानों में नहीं है अब आप सोचे वो क्या इस सवाल का जो पहला सवाल उसका पहला लफ्ज हम ले रहे हैं और उस चीज़ को अहले इल्म नुस्खा कहते हैं नुस्ख़ कहते बोलना को ये कोई और चीज़ है जो उस हैवान यानी इंसान के जान के ऊपर कहीं से आ गई है अब आप सोच रहे होंगे कि हैवान तो बोलते हैं हर जानवर की अपनी बोलियाँ हैं लेकिन एक दूसरे की बोली इंसान उसकी बोली नहीं समझता है लेकिन इंसान किसी जानवर को ट्रेनिंग देता है तो इंसान की आवाज पर बोलने पर वो जानवर भाग कर आता है गोया की जबान तो सबके पास है लेकिन हैवान को बेजबान कहा गया यानी इंसान की तरह को नहीं उसके पास यह है उसी चीज के सब से यह आला रुतबा तक पहुंचा और उसके तारीफ में हैवान नातिक कहा गया इसको इंसान को हैवान नातिक कहा गया नातिक ठहरी है यानी और दीगर हैवानात में ये मुमताज़ और मुजिस कहलाया और उनमें से निकल कर अगर हम गौर करें तो हमारा निचला हिस्सा खाक है और उस पर नमो आई और नमू के ऊपर जान और जान के ऊपर नुक़ पहले जमादात जहाँ खाक है उसके बाद हम आगे चलें नमू आई यानी नबातात में उसके बाद हैवानात चौथा हिस्सा जहाँ जान आए और जान के ऊपर बोलने की जो बात आई इसको कहते हैं नुक़ इंसान जिस तरह बोलता है न जानवर नहीं बोलते अब आप बोलेंगे मख्तलिफ इंसान की मख्तलिफ बोलियाँ मख्तलि ज़माने में मख्तलि इलाक़े की मख्तलि ममालिक ठीक है लेकिन अज़्ल मीर ख़ुदा ने सब की एक ही ज़बान रखी सब एक ही ज़बान बोलते थे और आगे चल कर जब रूह है रूह इंसान की निकल जाएगी कफर शनस परवाज़ जन्नत में एक ही ज़बान बोली जाएगी अब बात क्लियर होगी यहाँ पर अब हम देखें और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है ये सब कुछ तो साफ साफ मालूम होता है कि हमारा खालिद व मालिक तरक्की देता हुआ कहाँ से कहाँ लाया ये गौरतलब बात है नबाता से जमादात, जमानात से हैवाना हैवानात से इंसान में ले आया अब कौन कह सकता है कि आगे को तरक्की का दरवाज़ा बंद है ऐसा नहीं है शायद बल्कि यकीन हर और भी तरक्की करते करते यानी मुसलसल तरक्की का नाम है मुसलसल जद्दोजहद का नाम इंसान की जिंदगी जो हैवान और नबात और जमादात में नहीं है में नहीं है इंसान में कि खालि के गुजोरी में पहुंचे तरक्की करते हुए कोशिश करते हुए जददोजहद करते हुए और खाक से हम अफलाक पर चढ़ जाए और अगर नहीं तो फिर असफल सासाफलीन के मंजिल होगी यानी हैवानात से भी बदतर अज फिर हम सवाल दोहरा रहे हैं कि सवाल यह है कि नुस्ख क्या है आपने नुस्ख सोच लिया अब नफ्स नातका को चलते हैं और इंसानी नफ्स किसे कहते हैं अब इस सवाल में नुत की तरफ मुलाज़ा फ़रमाइए कि नुत क्या चीज़ है अरबी ज़बान में नुत के माने बोलना क्या है दोबारा हम आपकी खदत पेश करें ताकि नए सामानी जो आए आए उनके लिए लेकिन अश्तला में सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि इसका इदराक भी हो यानी उसमें शर्त है उस सूरत में नुत का नाम हुआ और इसवत का जो इदराक के मानी की क़वत इंसान में हैवाना में नहीं है और उसी कवत के लिहाज से इंसान को कि जो रूह है उसको नफ्स नातका कहा गया है एहले जबान के यहां यानी अहल इल्म के यहां जब कहा जाता है कि फना शख्स के नफ्स नातका यानी बोलता निकल गया है इसके मुरादे कि वह शख्स की रूह कफ़स एन से परवाज कर दी और वह शख्स मर गया या वो इस दुनिया में अब इस जिसम में तो है लेकिन रूह नहीं है उसके अंदर जो निकलता बोलते से बोलता पैदा हुआ और बोलते पे बोलता शायदा हुआ बोलते पे बोलते का राज है और बोलता नहीं तो माजी हाँ, बाजी मात है फिर वो मिट्टी में मिल जाता है अजीद हम लफ्ज़ रूह क्या है यहाँ एक सवाल आया था क्या लफ्ज़ रूह में अख्तिलाफ है हम उस सवाल का पूरे आपको जवाब दे दिए कि नुस्ख बोलना है नफ़ से नातका वह इंसान के अंदर जो रूह है और नफ से इंसानी ख्वाहिशात हैं अब रूह क्या है अगर रूह समझ में आ गई देखिए मख्तलिफ जगह मख्तलि रूह के माने लिए गए हैं अख्तिलाफ़ है बिल्कुल है सूर सूरह बन मकिया सूरह सतरवा सूरह पचासी नंबर में आए थे वैसलूनक रूह कुल रुह अम्र रबी वमा अतीमिन खलीला और ये लोग तुझसे रूह के मुतरित सवाल करते तुझसे मुराद यानी कि पैगम इस्लाम से अब यहाँ इनको लिखता चाहिए था आपसे लेकिन तर्जुमा करने वालों ने किया है कह दो कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें जो इल्म दिया गया बहुत थोड़ा है यानी इंसान के पास बहुत थोड़ा इल्म है उस वक्त कहा गया था लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है रूहानियत में भी है और मादियत में भी तरक्की कर ली है अजीज जब कहा जाता है कि फला शख्स का नफ़ से या बोलता निकल गया जैसा हमने अभी कुछ नमह पहले कहा मुराद उसकी रूह निकल गई लफ्ज़ नफ्स के माने हैं हकीकती इंशा यानी इंसानी नफ्स है मुराद कि इंसानी हकीकत वो असली चीज़ है जो इंसान कहलाता है यानी वो रू जिसके लिए इसी का दूसरा नाम रूह रखा है उन्होंने और लताफत के सब से यानी जिसम कसीफ़ है और रुब लतीफ़ है जिसमें कन कसाफत है बारी है लेकिन रू लताफत है तो लताफ के सबब से इस वक्त ये मालूम हो जाए कि वो हकीकत इंसान जिसको नफ़्स इंसान कहते हैं वो एक ही चीज़ है और अहल तसवु इसके छः नाम बताते हैं उनके इसके छः नाम रखा गया इस नफ़्स का तीन तो हम कर्न से पेश कर देंगे बाकी तीन उनके अहल इल्म के यहाँ जो बोला जाता है अहल तस्ुफ़ के यहाँ बल इस वक्त कावत अजराक के लिहाज से नफ़् नातका कहते हैं क्योंकि उसमें अजराक है कुत है और जब नफ्स दुनियावी ल्जतों के तरफ भी बशदत माइल होता है उस सूरत में नफ़ अम्मा कहते हैं ये सूरह यूसफ मक्की सुरह है रु बारवें सूर तिरपनवीत में वामा उब्र वामा उब्र नफ्स इन्ना नफ्समारत बुलाबी रहीम और मैंने और मैं अपने नफ़ को पाक नहीं कहता बेशक नफ्स अम्मा तो बुराई सिखाता मगर जिस पर बुरा मेरा रब मेहरबानी करे बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है अजीज आगे चल के अब दूसरा है यानी जब नफ्स अम्मा अपनी बदी बद किरदारी से पछताया और शर्मिसार होता है तो उसका नाम लवामा रखा और ये सूर्य कयामा के जो पचहत्तर वर्ष दूसरी आते हैं वला अक्सम ब लवामा और पशेमान होने वाले शख्स इस तीसरा नफ्स है जब खुदा तला के मार्फत और तसल्ली और हासिल करके खुशी होती है तो उस वक्त इसको नफ्स नफ्साम को इंडिकेट करता है तीसरा नफ्स सूर फजर मक्की है इसकी आयत नवासी है एटी नाइन और आयत नंबर है ट्वेंटी सेवन सत्ताईस यह आई वाहन नफ्स मतमना इशाद और एतमान वाली रूह अब देखें यहां नफ्स लिखा है लेकिन तर्जुमा करने वाला उसको रूह कह दिया इस नफ़ को कुरान के उर्दू तर्जुम रू कहा गया और इसके आगे के बाद मजदिन नफ्स जो का जिक्र अहल बयान करते वो नफ़ मे है पर हदायत ग़ैबी के अनमार इलाही से फैज फैज़ान हासिल करते हैं जो है जब मतद हो जाता है इंसान उसकी तब रागिब होता है या उस पर चमत्कार होती है या उस रूह पर जब उस पर रुबल कदस का नजूल होता है यूँ समझिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि बाद लोग रोहुत नहीं समझ पाएंगे इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा यह दिया अब तब इसका नाम है नफ़ होता है यानी और लताफत और हर कोई उसे रूह कहता है पस चीज़ एक नाम छः अजीदम मौला कायन हजरत यूसुल मसी ना फरमाते हैं यानी सोच नफ्स के बारे में तुम बुराई की तरफ मत सोचो और बुराई जो है जैसे तुम सोचोगे तुम्हारा नफ्स तुम्हें बुराई तक ले जाएगा तो उन्होंने वहां पहले ही ब्रेक लगा दिया है कट कर दिया कि सोचो नहीं बुराई के बारे में जब सोचोगे नहीं तो और सोच कहाँ से होता है गुनाह कहाँ से होता है गुनाह को जब पलटेंगे तो निगाह बनेगा एक रुपये दस उधर करें गाव की जगह नून नून की जगह गाव करते गुनाह निगाह से होता इंसान निगाह से देखता है दिल जहन में उसका पिक्चर बनता है और उसके बाद वो सोच सोचता है उस सोच पर खुदा उनने पहरा लगा दिया कि सोचो नहीं और यह हकीकत है कि इंसान यानी रूह जिसमें छः कैफियात हैं जिस सबब से इंसान अराजी मखलूक़ात में अशफ नज़र आता है तमीज़ी इजराक है यानी उसके सोच को तमीज़ है वो सोच सकता है ये भला है या बुरा है ये उसके उसका तमीज़ करता है और हैवानी जान के ऊपर है क्योंकि हैवान में नहीं है तमीज़ है यानी वह हलाल आराम सब खा सकता है लेकिन इंसान को पाबंदी लगाई है लेकिन इसकी मादियत क्या है मादियत यह है कि अब अब तक यानी अक्ल इंसानी उसे पूरी तरह दरियाफ़ नहीं कर सकी कि रूह आया कहाँ से रू ऐसे कैसे हैं मगर जब किताब मुक़दस की औरक गर्दानी करते हैं तो किताब मुक़दस इस इससे मुतल हमें तसली करा देती है कोई भी शख्स जिस ज़माने का तहकीक करना चाहे और दिखा दिया कि नफ़्स नातिका या रूब आलम का एक शख्स है और मखलूक है एक शख्स ही है याद होगा आपको तो हमने जब तीसरी नशे में कहा था अब अब्न और रोलकदस वो शख्स है चीज़ एक है जौहर एक है अकानीन तीन है तीन शख्सियत है इसको समझना होगा जैसे खल ख़्याल ने पैदा किया और इंसान के बदन में उसकी जान के ऊपर रखा उसी को खुद नाम खुदाए जुलजलाल ने तौर तुमकद का पहला जो पकविन हमने पेश किया सात दूसरे बाप के सातवीं आयत में निशानदेही कर कर दिए कि खुदावन खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ अब दम कहिए रूह कहिए गोयन लफ्ज़ रूह के इस्तलाम के मानों में उसकी माहियत का बयान अहल में आज तक बहुत सा इख्तलाफ किया है यानी बहुत ज़्यादा खुराक है उन लोगों का सारा बयान का मताल यही होता है कि रूह की माहियत आदमी आदमियों को अब तक मालूम नहीं हुई लेकिन यह एक बात ज़रूर मालूम है कि इंसान में मिसल हैवान बहुत से हैवाना के हरान पाए जाते हैं जैसे हुक्म हरारत गजीजी कहते हैं जे ये गजीजा नाम है सरिश्त या तबीयत के और उस सरिश्ती हरारत को अनासर के आमजिश यानी मिलावट से पैदा होती है और वही हरारत यानी गजीजी या शरिश्ती है ये हरारत कल्ब यानी गोश के टुकड़े से पैदा होता है इसीलिए कलाम में खुदा ने फरमाया जो करो दिल से करो ये जान कर करो कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं न कि इंसान के लिए ये वही बात और नसों के वसीले से सारे बदन में फैलती है इसी को लोग रूह हैवानी कहते हैं जिससे हमनेवान नातिक उनसे कहा गया ये बीमारी की हालत में उसी को सम्भालते संभालने की को कोशिश होती है क्योंकि किसको इस जान को संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर जानदार की ज़िंदगी उसी पर मौकूफ़ है उसको जान कहते हैं और किताब मुकदस में यही कहा गया जान है और जिस सबब से हैवान जानवर दरअसल हमारे यहाँ जानवर से मुराद समझा जाता है यानी जानवर हालांकि दो लफ्ज़ है जान और वर गौर क्या आपने एक तो जान और वर कहते हैं जैसे वाले ताकतवर ताकत वाले दीदवर देखने वाले तो इसी तरह जानवर ये दो लफ्ज है फारसी अब ये देखिएगा कि लफ्ज़ जान कहलाते ये जिस्मानी है और जिसम के के साथ फना हो जाती है जिसम फना जान निकल गई इसी को तबी भी हुक्मा को कोई कहता है ये बादी है यानी हवाई है कोई कहता आतशी है कोई कहता खाकी है कोई कहता आबी है कोई नहीं कहता इंसान कोई नहीं कहता सब कहते हैं कि हम खाकी हैं खाक मिल जाएंगे भाई हवा भी तो है आतिशी भी तो है बाद लेकिन कोई नहीं कहता कि हम आतिशी हैं कोई नहीं कहता कि हम आबी हैं क्योंकि फिर आबी कहते फिर पानी में रहो जाकर यानी रूह और जिसम जब की कि किताब मुकदस तीन चीज़ का जिक्र करती है वह रूह जिसम और जान जिसम के गाइयत उसके कसीफ़ा जैसे हमने कहा कि जिसम भारी है पन से लेकर के उसकी ऐसी जान तक मुराद है यानी जिसम की हद है जिसम की एक हद है और रूह इससे बराद वो चीज है जो हद जिसम से बाहर है अब आप सोचे वो कैसे बाहर है यानी यही वजह है कि जब हमारे हमारी रूह कब से प्रवास कर जाएगी जब हम इंतकाल कर जाएंगे तो बॉडी तो हमें रखी हुई जिसम के सारे आजाएं आंख अपनी जगह हाथ अपनी जगह लेकिन हरकत नहीं हो रही बोल नहीं पा रहे ये नुत को नहीं खत्म हो गए वो नुत रूह निकल जाने की वजह से वो बॉडी अपनी जगह है चूंकि कसीफ है रूह निकल गई लेकिन अगर किसी इंसान तीन दिन के बाद उसके वो वो जिसम दोबारा जिंदा हो जाए अज खुद तो इसका मतलब फिर वह इंसानी सब में तो आया था लेकिन वो कहीं और से आया था और वो बेगर बाप का था एजान मोहतरम आ, लेकिन रूह रूह से खाली हो जाता है यहाँ मज़ोर मसीह के नस्बत एक एसिसस के अक़ायद के मुताबिक शिकरा सैंतीस लिखा है जो किताब मुकदस उन्होंने लिखा है कामिल खुदा कामिल इंसान यानी नफ्स नातका और इंसानी तरकीब में मौजूद है यहाँ जिसम में, में हवानी जान शामिल तो है यानी इंसान में उस जान के ऊपर जो शय है वो उसको नुमाया करती है जो जानवर में नहीं जम जब सका और वही फसल जो इंसान कोवान मुतलक से निकालती है अब जरा गौर कीजिए ज़रा जिक्र कर चुका कि जमादात से निकालने के लिए फसल नमू है और नबादात से निकालने के लिए जानब फ़सल होती है अब हैवाना से निकालने के जो चीज़ है वो नफ़्स नातका है यहाँ तक हम पहुँचे वही सवाल कि फिर रू क्या चीज़ है अजीज़ हम इस सिलसिले में बहुत मख्तल अजहा अहबाब के मख्तलि जवाब हैं कोई कहता है रु एक नूर है कोई कहता है ताक़ुल है अजराक है या हरकत का इरादा का इस्तेद है यानी उससे मिलती जुलती चीज़ है कोई कहता नहीं कोई बहुत कदीम शय है लेकिन ऐसा बोलने वाला कोई सबूत नहीं दे सकता तो फिर कोई कहता कि हादिस है यानी नई कोई चीज़ पैदा हो गई है फ़ानी नहीं है ये कोई कहता फ़ानी है कोई कहता गैर फ़ानी है खालिद ने इसे अबद तक ज़िंदा रखने के लिए पैदा किया है यानी इसके लिए अब पैदा तो नहीं है लेकिन इंतहा नहीं है जैसा खालिद के ना अब पदा नहीं, नहीं इंतहा लेकिन इसकी इंतहा नहीं है तो खालिक कायनत ने इसके लिए बंदोबस्त किया कि हमारा भी रूह नस्बत ऐसा ही यकीन है और यही ख्याल तमाम अम्बिया का था पैगम्बरों का था और सबूत इस ख्याल से उसी रूह की सिफतों से निकलता है कि अच्छा कुछ और हल्का अहल तफ़ुर है जिनका कहना रूह आलम तजरद है यानी एक शख्स है फिर वही बात रूह आलम तजरद एक शख्स है जो खाकि बदन में बंद है और ये वक्ती तौर पर है आज़ा के साथ बनाया गया और गए उसके बाद फिर आजा रह जाएगा वो चला जाएगा ऐज़ा नगर में कद्र। हमने सर कलाम में सूर्य जासिया की जो पैंतालीस सौरा मक्िया है जिसकी उनतीस हमारा पेश की हाँ जताब ना यकी इन नस्त नस्तनसकू म तुम तरूम यानी ये हमारा दफ्तर तुम पर सच सच बोल रहा है क्योंकि जो कुछ तुम किया करते थे उसे हम लिख लिया करते हैं मैंने कहा था आपको आगाज़ में कि यह आयत जो है हर्ष के बारे में क़्यामत गजन के, के बारे में जब दोबारा इंसान को जिंदा किया जाएगा वहाँ के बारे में ऐजान मुहतरम अब दामन वक्त में गुंजाइश न रही तो आज की गुफों का हम यहाँ अख्ताम पजीर कर रहे हैं इसी जगह से हम आगाज़ करेंगे कि रूह क्या चीज़ है से मख्त लोगों की आरा दी आपकी खिदमत में फिर हम कलाम मुकदस से पेश कर चुके आइंदा नशरत में हम जब हाज़िर होंगे तो दोबारा यहीं से चलेंगे इसको जानने के लिए आपके पास अगर किताब मुकदस नहीं है तो आप हमें लिख भेजिए अपना पूरा पता स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे व्हाट्सएप ई मेल टेलीफोन नंबर स्काइप जो भी आपको अवेलेबल हो पूरा पता लिख दीजिए कि ताकि हम आपकी खिदमत में किताब मुकदस फीस में बिल अरसाल कर देंगे तो अगले में फिर हाजिर होंगे उस वक्त इजाजत खुदा हाफ ना